अच्छा भाई, तो आज हम नाश्ता का कर रहे हैं। नाश्ते में आज हमारे पास शामी कबाब, टिक्का, हमारा सादा पराठा, खदीजा का चीनी वाला पराठा। ये खदीजा, आप चीनी वाला पराठा क्यों खाती हो आप रोजाना? अच्छा लगता है आपको? और हमारा पराठा तो नहीं खाओगी आप, सिर्फ अपना खाओगी? तो ये चीनी वाले पराठे के साथ क्या खाना है आपने? टिक्का खाओगी या कबाब खाओगी? फिर किसके साथ खाओगी? किसके साथ खाओगी? फिर ऐसी खाओगी। और आप कैसे खाओगे? आप किसके साथ खाओगे? आ जाओ बैठो, नाश्ता करो। चलो दुआ पढ़ो आप पहले। खाना खा रही है ना? बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला बरकतिल्ला तिल्लू नी तिल्ला। हाँ सही है। चले शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम अली भाई। ये किया स्पोर्टिस का क्या सीन है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आ गई गाड़ी भाई, ये 2020 मॉडल की गाड़ी है, नंबर नहीं लगा हुआ इस पे भी। ये गाड़ी अभी आई है मेरे पास और अलनादा मोटर पे खड़ी हुई है। गाड़ी के अंदर जो नई गाड़ी की खुशबू है ना, वो अभी वैसी बरकरार है। और ये हमारे गुलचाद भाई, जानते हो इनको आप? मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को मिलवा दूं इनसे। ये गुलचाद भाई है, ये लेके चलती भी है, ये चलती है, पक्की बात है? चलाओ। नहीं अभी नहीं चलाओ, ये चलती भी है भाई, ये बता रहे। तो मतलब पहले कभी आपने चलाई है ये? चलाई है वाकई में? सही बोल रहे हो आप। अच्छा भाई चलाई है इन्होंने, ये कह रहे हैं। तो ये इनको बिठाया भाई, जो कराची के हालात हैं आपको मालूम है, काम करते हैं तो कुछ आ जाते हैं पैसे वैसे कभी, तो इसलिए इनको बिठाया हुआ है। ये नाली तो उधर कर लो, बच्चे को क्यों डरा रहे हो आप? आ जाओ गाड़ी के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा। आओ गाड़ी बाहर से दिखाओ पहले, गाड़ी बाहर से आप देख सकते हैं, गाड़ी बाहर से जेन्युइन हालत पर है। बोनट इसका जेन्युइन है, फेंडर, यहाँ तक कि इसके बम्पर भी, वो अक्सर बोलते हैं ना लोग बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है गाड़ी, तो वो बम्पर बोलते हैं यार बम्पर तो चल जाते हैं, लेकिन इसके बम्पर भी जेन्युइन है गाड़ी के, ओरिजिनल हालत पर है गाड़ी बिल्कुल। और 16 से 17 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, नंबर नहीं लगा हुआ लेकिन चल गई है गाड़ी। वो शौक में ऐसी चला लेते हैं ना बच्चे वगैरह, वो इस वजह से चली हुई है गाड़ी, बाकी और कोई मसला नहीं है। अच्छा कीमत के एतबार से बता दो, गाड़ी जो है इसकी 56,50,000 रुपये जो है ना इसकी डिमांड कर रहे हैं। नंबर जो है ना पार्टी खुद लगवाएगी, और अगर आप हमसे बोलते हैं नंबर लगवा के दे दो तो नंबर हम भी लगवा के दे देंगे आपको, तो उसके अंदर कीमत जो है ना 62,50 हो जाएगी इसकी। तो ये कीमत थी जो मैंने बता दी, तो जैसा कि मैं अभी आपको गाड़ी के बारे में बता रहा था, गाड़ी आप बाहर से देख सकते हैं, लुक वाइज अलायरे में इसके टायरों की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी 0 मीटर टायर है गाड़ी के, बिल्कुल ओके अच्छी हालत में। अच्छा ऑल व्हील गाड़ी है, इसके अंदर वेरिएंट आते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, और अपने चैनल पर मैं किया स्पोर्टेज का पहले भी जो है दे चुका हूँ। और अब ये गाड़ी आई हुई है तो मेरा मकसद यही होता है कि जो शोरूम पे जो है ना चीज़ आई हुई है वो मैं आपको दूँ, दिखाऊँ। तो अब ये गाड़ी जैसा कि आप देख रहे हो अच्छी गाड़ी है, ऑल व्हील गाड़ी है। अच्छा इसके अंदर एक बेसिक वेरिएंट आता है, एक इसके अंदर आता है फ्रंट व्हील, और एक आता है ऑल व्हील। तो ऑल व्हील जो होता है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है इसका, तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा गाड़ी देख सकते हो आप, साफ सुथरी हालत में है, अलनादा मोटर पर जो है गाड़ी खड़ी हुई है। ये बटन आप दबाएंगे ना इसका, तो ये खुद ही जो है गाड़ी की डिग्गी ओपन हो जाती है। गाड़ी देख सकते हैं आप, उसकी किनारियाँ वगैरह भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, बाकी वो मट्टी वट्टी लगी हुई है थोड़ी सी, वो साफ़ हो जाएगी।
अच्छा इसका मैं आपको ये दिखा दूँ टायर, इसका टायर अभी तक यूज़ हुआ नहीं है, अनयूज्ड टायर है। गाड़ी अंदर से भी कंडीशन देख सकते हैं, साफ सुथरी हालत में गाड़ी है। यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हैं आप अपना। गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल अंदर से भी साफ सुथरी हालत में है गाड़ी। डिग्गी भी दिखा दी है, मैं इसका बटन दबा देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। ऑल व्हील गाड़ी है, सनरूफ इसका गाड़ी का बहुत कमाल का है, गाड़ी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी हालत में गाड़ी आप देख सकते हैं, कोई किसी किस्म का निशान गाड़ी पे मौजूद नहीं है, टायरों की कंडीशन भी अच्छी है। अच्छा गाड़ी में आपको अंदर से भी विजिट करा देता हूँ। अच्छा अंदर ये बैठे हैं हमारे असम भाई। असम भाई थोड़ा सा हमारे देखने वाले जो है उनको गाड़ी मैंने बाहर से तो दिखा दी है, थोड़ा अंदर से भी बता दें क्या क्या चीज़ें हैं। ये अपने गाड़ी स्टार्ट गई, ये पुश बटन है। गाड़ी का इंटीरियर देखें, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास गाड़ी है। इसका मल्टीमीडिया सिस्टम, ये गियर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये एसी का फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है ना, फोर व्हील, ये इसका एसी सिस्टम आ गया। ये इसका सनरूफ है, ये इसका एसी चिल्ड है। हाय 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 मजे। ये अंदर से गाड़ी आप देखें, अच्छा खासा स्पेस है, 6 बंदे तकरीबन बैठ सकते हैं इसके अंदर, और उसके अलावा पीछे जो है लगेज के लिए भी अच्छी खासी जगह है, और ये आप कॉफ़ी शॉप भी पीते होंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे तो कॉफ़ी शॉफ़ी पीने का शौक़ होगा, कैपेचिनो भी पीते होंगे तो इसमें रख के पिया गए। और ये देखें इसका हैंडबैग जिसे कहते हैं, हमने तो हाथ वाला देखा है, इसमें ये पावर बटन वाला होता है। ये डी मैनुअल में आ गई, 1 2 3 जितने भी गए हैं ये देखें, 1 पे आ गया, ये डी ऑटो पे आ गई, न्यूट्रल रिवर्स पार्किंग। तो ये वो गाड़ी थी जो मैंने आज आपको दिखाई ना, बाहर से गाड़ी मैंने दिखा दी आपको, अंदर से इंटीरियर के बारे में असम भाई ने भी आपको गाड़ी के बारे में जो भी कुछ था बताया, गाड़ी के बारे में मैंने आपको कीमत भी बता दी। भाई ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि आप तक अच्छी से अच्छी गाड़ी पहुँच सके, और मैं रोज़ाना ये बात कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे भाई, चैनल को देख के सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आपको मिलती रहें। मार्केट में हर तरीके की गाड़ी होती है, और हम भी मार्केट के अंदर होते हैं, आपको अच्छी गाड़ियाँ इंशाल्लाह बताते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो बस आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।